तो यहाँ सवाल है समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 तथा नवा पद 7 तो सोलवा पद याद करें है ना। मान लो कि प्रथम पद क्या होता है नहीं मालूम, एक और ए का मान 3 निकल गया और सार्वंतर डी नहीं मालूम डी, तो डी डी का मान 2 कुछ भी रख लेते हैं, जैसे अभी मान लिए 2 यही ए और डी मालूम रहेगा तो सारा हल हो जाएगा। जैसे यहाँ क्या बोला, सोलवा पद निकाले है ना, तो सोलवा पद निकालने के लिए सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ए 16 बराबर ए प्लस 15 डी है ना। यस सर, ए का मान 3 मालूम है, 15 इंटू कितना छुपा हुआ है, यस सर, और डी का मान 2 3 प्लस 30 कितना हुआ 33 33 तो ए और डी का मान है ना, ए और डी का मान निकालने का बाद मालूम था, यस सर, तभी तो 16 पद निकल गया, यस सर, है ना। तो इसमें देखो समांतर श्रेणी का पांचवा पद 11 तथा पांचवा पद 11 और नवा पद 7 है, तो इसमें ए और डी का मान निकालना है पहले, यस सर, अभी तो नहीं मालूम है, यस सर, तो लिख लेंगे, माना कि प्रथम पद ए बराबर ए और सार्वंतर बराबर डी है ना, माना कि प्रथम पद बराबर ए तथा सार्वंतर बराबर डी डी मान लिया। और प्रश्न से क्या दिया है, प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न से पांचवा पद क्या, पांचवा पद बराबर ए प्लस 4d सूत्र होता है ए प्लस 4d तो पांचवा पद बराबर ए प्लस 4d दिया है कितना 11। उसके बाद नवा पद कितना, नवा पद ए 9 लिखो या हिंदी में लिखो, ए 9 बराबर ए प्लस 8d 8d बराबर 7 बराबर 7 दिया है ना 7, यस सर, तो ये मान लो समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकंड, हां सेकंड है। अब इन दोनों समीकरण को घटाने पर क्या लिख देंगे, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर, तो देखो घटाने पर चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस हो गया, इनमें से एक कैंसिल, घटने पर 0, यस सर, ठीक है। अब यहाँ प्लस है तो माइनस, घट के माइनस 4d 12 के चिन्ह उतरता है, यस सर, 4 प्लस छोटा है ना, 4 छोटा है, यस सर, और 8 बड़ा है, तो इसके चिन्ह में माइनस है इसलिए माइनस उतर जाए। अब देखो यहाँ प्लस छुपा हुआ है तो माइनस होगा, ये घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बारह के चिन्ह में क्या लगा हुआ है प्लस, इसमें भी क्या लगा हुआ है प्लस, और डी बराबर 4/4 माइनस वन यानी डी का मान कितना माइनस वन डी का मान निकल गया, यस सर। अब समीकरण, अब ए का मान निकालना है, यस सर, समीकरण फर्स्ट में ए का मान, डी का मान, डी का मान रखना, समीकरण फर्स्ट में, हाँ फर्स्ट में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख दिया, यस सर। तो समीकरण फर्स्ट है ए प्लस 4d बराबर ए का मान कितना है, ए प्लस 4 इंटू डी का मान कितना, माइनस 1 बराबर 11 तो यहाँ लिखेंगे ए माइनस प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 11 ए बराबर 15 11 4 इधर आया तो प्लस चिन्ह बदल जाएगा, ए बराबर 15 हाँ। तो कहने का मतलब जिस तरह यहाँ ए और डी का मान मालूम था तो 16 पर निकल गया, लेकिन यहाँ ए और डी का मान निकालने पर ए 15 निकला और डी माइनस 1 निकला, तो वही सवाल लास्ट में कह रहा है 16 पर निकालना, ये नहीं कह रहा है, तो लिख दो ए 16 बराबर ए 16 बराबर ए 16 बराबर सूत्र क्या होगा, ए प्लस 15d ए का मान बैठा दो कितना, ए का मान 15 प्लस 15 गुणे माइनस 1 डी का मान माइनस 1 15 माइनस प्लस माइनस माइनस 15 घटा दिए तो 0 यानी कि 16 पर क्या निकलेगा 0 0 समझ में आ गया, यस सर।